तो राजस्थान का शाहपुरा ये कोई पहला शहर नहीं है जहां पर इस तरीके के तस्वीर सामने आई हो या फिर त्यौहार पर नफरती पत्थर बरसाए गए हों। अगर बात हम करें सूरत की, कच्छ की या फिर अंबेडकर नगर या लखनऊ की, हर जगह से अमूमन यही तस्वीर इन दिनों निकलकर सामने आ रही है। अब बात महोबा की भी कर लेते हैं, वहां से भी वही तस्वीर निकलकर सामने आई है, यानी कि यहाँ पर भी त्यौहार पर पत्थर बरसाए गए हैं। भले ही राज्य अलग हो, शहर अलग हो, लेकिन आस्था पर चोट एक जैसा ही इस वक्त नजर आ रहा है। गणेश उत्सव को टारगेट किया जा रहा है और पत्थरबाजी की खबरें इन तमाम जगहों से निकलकर सामने आई है। महोबा में क्या हुआ है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, पूरे देश में गणपति उत्सव को लेकर धूम है। लेकिन विघ्नहर्ता के इस उत्सव में विघ्न डालने की हर रोज साजिश हो रही है। नफरती पत्थर फेंकने की लोकेशन भले ही बदल गई, लेकिन मजहबी कट्टरपंथ की चाशनी में डूबी हुई सोच और उन्मादी तरीके में बिल्कुल भी फर्क नहीं आया। मजहबी पत्थरबाजी का मामला इस बार उत्तर प्रदेश के महोबा से सामने आया, जहां भगवान गणेश की प्रतिमा की विसर्जन यात्रा निकली तो कट्टरपंथियों के पेट में मरोड़ शुरू हो गई। सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से यात्रा में शामिल लोगों पर नफरती पत्थर बरसाने शुरू कर दिए गए, उन्माद फैलाने की जिहादी साजिश रची गई। नफरती पत्थर देख हिंदू युवक भड़क उठे, विशेष समुदाय पर पथराव का आरोप लगाया और देखते ही देखते दो पक्षों में झड़प शुरू हो गई। दोनों तरफ से हाथापाई हुई, एक दूसरे पर लात फूसों के साथ बाल्टी और पत्थर से वार किए गए। बताया जा रहा है कि जहां से भगवान गणेश की विसर्जन यात्रा निकल रही थी वो महोबा का मुस्लिम बहुल्य इलाका है, और हिंदू पक्ष का आरोप है कि विशेष समुदाय ने धार्मिक यात्रा पर पथराव किया, उत्पात मचाने की कोशिश की। पथराव से नाराज लोगों ने इलाके में नारेबाजी की, जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके बाद माहौल बिगड़ने के डर से इलाके में भारी फोर्स की तैनाती की गई। मजहबी पत्थर से नाराज लोगों ने हंगामा किया, हिंदू संगठन के साथ कोतवाली पहुंचे और कार्रवाई की मांग करते हुए थाने का घेराव शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि विसर्जन यात्रा देर रात निकाली गई थी, इसी दौरान पथराव हुआ। वही पुलिस से कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ और गणेश की मूर्ति को विसर्जन के लिए लेकर जाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तर प्रदेश के महोबा की ये रिपोर्ट आपने देखी, जहां पर किस तरीके से गणेश विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी की गई। लेकिन ये पहला मामला नहीं है। देखिए, 7 सितंबर से गणेश उत्सव की शुरुआत हुई थी और तब से कई राज्यों से खबर सामने आ चुकी है कि पत्थरबाजी हुई है गणेश उत्सव पर। देखिए, कर्नाटक की बात करें तो मांड्या में जो हालात बने थे इसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, शोरूम तक फूंक दिए गए थे और काफी नुकसान इस दौरान हुआ था क्योंकि पत्थरबाजी हुई थी गणेश उत्सव के दौरान। इसके बाद गुजरात की बात करें तो गुजरात में 2 जगह यानी कि कच्छ और सूरत में भी वही नजारा देखने को मिला था, जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो यहां पर हिंदुओं की आस्था पर टारगेट किया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो रतलाम में भी यहां पर जबरदस्त तरीके से उस वक्त हंगामा हुआ जब आस्था पर चोट पहुंचाई गई, यानी कि शोभा यात्रा निकाली गई थी, गणेश उत्सव में लोग डूबे हुए थे और उस दौरान जो है पत्थरबाजी की गई थी। उत्तर प्रदेश में देखिए, लखनऊ की बात करें या फिर महोबा की बात करें या फिर अंबेडकर नगर की बात करें, यहां पर भी माहौल इस तरीके से तनावपूर्ण बन गए जब आमने सामने लोग जो है भिड़ते हुए नजर आए, और इसके पीछे की वजह यही थी कि हिंदुओं की आस्था पर यहां पर भी चोट पहुंचाने की कोशिश की गई और इसके बाद जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ। ऐसे में सवाल यह कि आखिर कौन है वो जो नफरती साजिश करने की बार बार कोशिश कर रहा है। अगली खबर क्या है, रुक कर लेते हैं गायत्री का। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़, जहां पर
धर्मांतरण का, लव जिहाद का बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां दो अलग अलग मामलों में समुदाय विशेष के युवकों ने हिंदू लड़कियों को पहले तो अपने प्रेम के जाल में फंसाया और फिर धर्मांतरण का दबाव बनाया। ये पूरी खबर क्या है, आखिर क्यों ये मामला चौंका रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। भेष बदला और बदला बात करने का तौर तरीका, तिलक लगाया, हिंदू लड़की को फंसाया, लव जिहाद किया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हैरान कर देने वाले दो मामले सामने आए हैं, जहां दो अलग अलग मुस्लिम लड़कों ने खुद को हिंदू बताते हुए हिंदू लड़कियों को पहले प्यार के जाल में फंसाया और फिर शादी रचाई। शहबाज ने हर्षित चौधरी और सलमान ने समीर बनकर हिंदू लड़कियों को धोखा देते हुए शादी की, इसके बाद मारपीट करते हुए धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। पहला मामला अलीगढ़ के इगलास इलाके का है, जहां लव जिहाद का शिकार हुई पीड़िता थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पूरी कहानी बता दी। बताया कि कैसे आरोपी सलमान ने अपना नाम समीर बताया, जबरदस्ती शादी की और फिर धर्मांतरण का दबाव बनाया। मुस्लिम लड़का समीर बनकर हिंदू नाम रखकर और तिलक विलक लगाता था और इनको फर्जी हिंदू बनकर इसको भगा ले गया गुमराह करके। इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, इसको नशा कराता था, कोल्ड ड्रिंक में मिला के कुछ वीडियो फोटो भी बना लिए, उनको वायरल करने की धमकी देता था। पीड़िता बहुत डर गई थी, SPRA साहब से मिले और कार्रवाई की हमने मांग की है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र अतिशीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस एक्शन में आई और जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। इस अभियोग के उपरांत पुनः एक अन्य मुकदमा पीड़िता के पिता द्वारा थाना इगलास पर ही पंजीकृत कराया गया है और जो भी चीजें प्रकाश में आएंगी, जो भी साक्ष्य प्राप्त होंगे, उनके अनुसार उचित धाराओं का समावेश करते हुए विवेचना का विधिक निस्तारण किया जाएगा। वही दूसरी तरफ एक और हिंदू लड़की ने पुलिस से शिकायत की, बताया कि कैसे शहबाज नाम के लड़के ने हर्षित चौधरी बनकर लव जिहाद किया, खुद को मेजर बताते हुए मंदिर में शादी रचाई। गुजरात पुलिस शहबाज को लेकर अलीगढ़ पहुंची, तब पता चला कि वो मुस्लिम है। पुलिस ने शहबाज को वंदे भारत ट्रेन में चोरी करने के आरोप में पकड़ा था, तब उसके नाम का खुलासा हुआ। वेबसाइट के माध्यम से उससे मुलाकात हुई और उससे शादी की, लेकिन बाद में जब उसको जानकारी हुई कि उसके लड़के का नाम हर्षित चौधरी ना होके कुछ और है और जो असली नाम बाद में पता चला शहबाज खान है, तो इस बात पर उसने मुकदमा पंजीकृत कराया कि उसने उसको अंधेरे में रखते हुए उसके साथ शादी रचाई और उसके साथ धोखाधड़ी की और जो उन्होंने तहरीर में दिया और भी गलत काम वगैरह किया है। इस संबंध में थाना बन्ना देवी पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और अभियुक्त भी गिरफ्तार होकर जेल भेज दिया गया है। शहबाज खान उर्फ हर्षित चौधरी अब तक करीब 18 लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसा चुका है, उनसे शादी कर उनकी अस्मिता को तार तार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।